नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो वहीं इनेलो, बसपा और जेजेपी जैसी पार्टियां भी अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं हर रोज कुछ बेहतर करने के लिए। बड़े से बड़े प्रयोग सियासी सूरमा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में बीजेपी ने भी बड़ा फेरबदल करते हुए नई टीम को खड़ा कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नई टीम के साथ उतरने जा रही है। नए मुख्यमंत्री, नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, नए प्रभारी और नए चुनाव प्रभारी तक की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी हरियाणा में सत्ता और संगठन में बदलाव के जरिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम करके तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी गैर जाट की राजनीति पर भी काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी की नई रणनीति कारगर होगी? क्या यह बीजेपी की नई टीम तीसरी बार पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब नई टीम तैयार हो गई। उधर कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो उत्साह है वो डबल हो चुका है, और इनेलो, बीएसपी और जेजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब बीजेपी की नई टीम की बात करें तो कितना कारगर ये प्रयोग होगा और किस तरह की रणनीति पार्टी की रहने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। संगठन के विस्तार और फैसले लेने में सबसे आगे रहने वाली बीजेपी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोहन को अपना सारथी बनाया है। मोहनलाल बडोली भी नायब सैनी की तरह किस्मत वाले हैं। 1989 में आरएसएस से जुड़े मोहनलाल बडोली 1995 में बीजेपी में आए और इन 35 सालों में पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। अच्छी छवि और शांत व्यक्तित्व ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। राई के विधायक के साथ ही उन्हें सोनीपत का जिला अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश महामंत्री के अलावा विधायक रहते सांसद का चुनाव लड़वाया। चुनाव नहीं जीत सके तो अब संगठन में नंबर एक की हैसियत मिल गई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन के विषय में विचार विमर्श चर्चा की है और नई जिम्मेवारी मिली है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। गौरतलब है कि पार्टी ने ये फैसला लेकर विधानसभा चुनाव से पहले नॉन जाट कार्ड खेल दिया है। अब सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही जीटी रोड बेल्ट से हो गए हैं, यानी जीटी रोड बेल्ट को पार्टी पूरी तवज्जो दे रही है। एक तरह से पार्टी ने नया मुख्यमंत्री, नया प्रदेश अध्यक्ष और नए प्रभारी के साथ नई टीम को आगे किया है। क्या इस प्रयोग से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम होगी? क्या हैट्रिक का सपना साकार हो सकेगा? क्या संगठन के इस नए कलेवर से विधानसभा चुनाव की चुनौतियों से पार्टी पार पा लेगी? ऐसे अभी कई सवाल हैं। चलिए देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, बड़े बड़े प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। अब नई टीम के गठन के साथ पार्टी कितनी मजबूत है, विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर हर पल मंथन बीजेपी कर रही है, करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देवेंद्र, सवाल यह कि नई टीम के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कमर तो कस ली गई है, क्या वो तैयारी मुकम्मल होती नजर आ रही है? देखिए सौरभ, नई टीम, नया जोश और बड़ा लक्ष्य। बीजेपी चूंकि चौंकाने वाले और फटाफट फैसलों के लिए जानी जाने वाली है, और कल अचानक लोगों को शायद कहीं मीडिया में अभी तक कोई खबर नहीं थी कि मोहनलाल बडोली को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनास्ती, और
कल अचानक खबर आई तो हालांकि चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन लगता है कि पार्टी बड़े फैसलों के लिए और चौंकाने वाले फैसलों के लिए काफी प्रसिद्धि पा चुके हैं राजनीति में। मोहनलाल बड़ोली का 35 साल का एक्सपीरियंस है, आरएसएस से जुड़े, बीजेपी में आए, प्रदेश के महामंत्री, विधायक रहते, जिला अध्यक्ष सोनीपत के विधायक रहते, सांसद का चुनाव लड़ा, हार गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष। मेरे को लगता है इनका भी कुछ कुछ नायब सिंह सैनी वाला, मतलब नीचे लो प्रोफाइल से उठकर बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं और पार्टी के प्रति निष्ठा इनकी है। और जिस तरीके से मेरे को लगता है जातीय समीकरण बिठाए गए, हम ये मानने हैं कि मीडिया में भी जो विश्लेषण है कि नॉन जाट कार्ड को पुख्ता करिए बीजेपी नॉन जाट कार्ड पर, और दूसरा जीटी रोड बेल्ट। आप देखिए जीटी रोड बेल्ट से ही मुख्यमंत्री अंबाला से आते हैं, नारायणगढ़ से, और सोनीपत से जो दिल्ली से सटा हुआ है, जीटी रोड बेल्ट का आखिरी जिला, तो यहां से अब प्रदेश अध्यक्ष भी है। सतीश पूनिया राजस्थान से आते, तो जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, मेरे को लगता है बड़ी सोच समझ कर रणनीति बनाई गई है। अगर हम ये सवाल खड़ा करें कि क्या रिजल्ट मिलेंगे, दरअसल पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े नेता हैं, उन्होंने सब सोच विचार कर फैसला लिया होगा, उनको लगा होगा कि ये माकूल फैसला है, माकूल रिजल्ट मिलेंगे। लिहाजा एक ये जरूर है कि एक नई टीम को आगे करके बीजेपी ने कुछ नयापन दिखाया है। रणनीति, अंदरूनी बैठ के संगठन की मजबूती वो अलग चीज है, लेकिन ये टीम अब क्या हैट्रिक के सपने को पूरा करेगी? मोदी जी का जो लक्ष्य है प्राप्त किया है पार्टी ने, तीसरी बार जैसे कैसे सरकार बनी, हरियाणा में भी हालांकि मुश्किलें बहुत है, लेकिन कई दफा लगता है लोगों के मुंह से सुनते हैं भी बीजेपी सरकार रिपीट कर सकती है, हालांकि आशंकाएं हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, किसान आंदोलन की बात है, युवाओं की बात है। अभी मेरे को एक 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 बड़े पत्रकार ने कहा जी अग्निवीर योजना और जो नीट वाले सवाल है, नीट का जो पेपर वगैरह है, ये इनसे युवा जो थोड़ा सा खफा है, उनमें निराशा का माहौल है, क्या करें, पढ़ाई में भी नौकरियों में भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, और यही वजह है कि विदेशों की ओर रुख किया जा रहा है। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, इन इन परिस्थितियों में बीजेपी कैसे मैनेज करती है, कैसे मुश्किलों का सामना करती है, चुनौतियों को पार पाते हुए सरकार बनाती है, अब इसी पर सभी की नजरें लगे और वक्त बहुत कम है। महेश, जो संगठन अब नया संगठन नई टीम तैयार की है बीजेपी ने, क्या वो विधानसभा, आगामी विधानसभा का चुनाव होगा हरियाणा में, उसका रण फतेह करने के लिए काफी है? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि नायब सिंह सैनी को जिस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया था, लंबे समय से प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों नायब सिंह सैनी संभाले हुए थे, तो ये तो तय माना जा रहा था कि या तो ब्राह्मण समाज से जो है प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुनने जा रही है, या तो फिर अनुसूचित जाति से, और यह भी तय था कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा सरीके वरिष्ठ नेताओं को, कद्दावर नेताओं को यह जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अगर प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा को बना दिया जाता तो फिर नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं फिर जो है नीचे दबते हुए नजर आते, कहीं ना कहीं उनका जो वर्चस्व है वो घटता हुआ नजर आता, और यह भी तय माना जा रहा था कि ब्राह्मण समाज से अगर कोई प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो उसका कद जो है नायब सिंह सैनी से बड़ा नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और चाहे अनुसूचित जाति से भी प्रदेशाध्यक्ष अगर कोई बनाया जाए तो फिर नायब सिंह सैनी से बड़ा कद उसका नहीं दिखना चाहिए। वो यहां पर इस फैसले के साथ ही जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मोहनलाल को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है प्रदेशाध्यक्ष की, अब नायब सिंह सैनी से इनका कद नीचे बना रहेगा, और बतौर प्रदेशाध्यक्ष भी कह सकते हैं कि इनके जो अधिकारात है, जो इनके जो एक कह सकते हैं कि इनका जो एकाधिकार है, उसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है अब नायब सिंह सैनी कर सकते हैं, और नायब सिंह सैनी के एकाधिकार का इस्तेमाल जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर कर रहे थे, तो यकीनन अब ये पूरा जो नेटवर्क है ये एक तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया गया है। देखने को आपको ये अलग अलग नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन की जो पावर्स थी वो एक तरीके से अब सेंट्रलाइज कर ली गई है। सेंट्रलाइज होने का जो एक नीतिगत जो निर्णय है वो मुझे इसमें नजर आ रहा है, और यकीन ये बात कही जा सकती है कि ये जो इक्वेशन है ये ग्राउंड पर भी देखने को मिल रही थी। ब्राह्मण जो वोटर है, अगर हम सोनीपत लोकसभा सीट को छोड़ दें, चूंकि ब्राह्मण कैंडिडेट सामने खड़ा कर दिया गया था, उसके अलावा अगर ट्रेंड को समझने की कोशिश की जाए तो ब्राह्मण वोटर्स का जो झुकाव है पहले से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिला था, और राम मंदिर के बाद ये जो झुकाव है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। अब ब्राह्मण वोटर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे,
सैनी वोटर्स बड़ी तादाद में वोट कर रहे थे तो उनका तो खुद मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में यहां ब्राह्मण चेहरे पर ही दाव खेला जा रहा था। नई जो टीम गठित की गई है, मुझे लगता है कि इसमें निर्णय लेने में आसानी होगी, सेंट्रलाइज्ड ये पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा और एक अच्छी टीम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा करने की कोशिश की गई है, जिसमें कद्दावर नेताओं को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, चाहे वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा सरीखे नेता हो, चाहे अनिल विज सरीखे नेता हो, और चाहे कैप्टन अभिमन्यु की भी मैं बात करूं। और इसी कार्यक्रम के जरिए हमने पहले कहा था कि अब जाट और गैर जाट यानी आर और पार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को आकार देती हुई नजर आएगी। किसी भी सूरत में यहां प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी जाट नेता को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब नहीं करेगी। आर और पार की स्थिति अगर होती है तो यकीनन फिर ये जो सौदा है, परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होती है। जाट और गैर जाट में इलेक्शन तब्दील हो, इससे फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। यहां पर एक चेन सिस्टम यहां पर तैयार कर लिया गया है और कोशिश यह की जाएगी कि आगामी जो हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन है वो जाट और गैर जाट में तब्दील हो, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। और कल एक और महत्वपूर्ण बात जो चल रही थी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन होता है और तीसरे विकल्प के रूप में चाहे बेहद छोटा ही सही अगर ये नजर आता है, चार चार पांच पांच छह छह हजार वोट भी अगर एक विधानसभा क्षेत्र में ये तीसरा गठबंधन यानी एंटी बीजेपी के वोट शेयर में से अगर 5,000 वोट भी कम होते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदे का सौदा है। और यहां पर इस गठबंधन से काफी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए लगाती हुई नजर आएगी, चाहे एनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है ये एंटी बीजेपी वोटों में सीधा बिखराव करेगा, जिसकी सख्त जरूरत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को है। वीरेन जी, जो जिस तरीके से महेश ने बताया कि गैर जाट की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, जाट और गैर जाट ये समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये है पहला कि क्या इस जो रणनीति बीजेपी के द्वारा तैयार की जा रही है ये पूरी तरह से सिरे चढ़ेगी, क्या उसका फायदा पार्टी को मिलेगा, पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि एंटी इनकम्बेंसी का शोर हमने देखा लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला, उसका असर भी देखने को मिला, पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से विपक्ष में बैठी है, उसने 5 सीटें भी जट की, क्या एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने में ये नई टीम कुछ हद तक कहीं सफल हो पाएगी? जाट और गैर जाट का मुद्दा जो है वो चुनाव में तो हावी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी अगर इस विषय को ना भी बनाए तो फिर भी ये मुद्दा बनेगा जी। और ये मुद्दा अब जो है कांग्रेस में भी रहेगा, दूसरे दलों में भी रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर सतीश पूनिया को जो प्रदेश का प्रभारी बनाया तो जाट होने की वजह से नहीं बनाया, उनको राजस्थान से धकेला गया है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में वो एक सक्रिय भूमिका थी, तो वहां पर जो है भजनलाल शर्मा जी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सतीश पूनिया को हरियाणा में भेजा गया है। हालांकि देखिए, पहले बारे में प्रभारी थे, अब उन विप्लव देव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो एक राजस्थान की मजबूरी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में यह प्रयोग किया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदलना था, प्रदेश अध्यक्ष बनना था, तो ये काम पहले होना चाहिए था, तब तक तो सब जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आश्रित रहे, तब तो पार्टी ने बदलाव नहीं किया। मतलब जब बदलाव की आवश्यकता थी तब पार्टी ने बदलाव नहीं किया, ये देर से उठाया गया कदम है और इसका पार्टी को नुकसान भी होगा, क्योंकि ये सब परिवर्तन पहले करने चाहिए थे और परिवर्तन में विलंब हुआ है, तो इसके कारण से देखिए जो मोहनलाल बडोली है उनका कोई विशेष जनाधार नहीं है, जनाधार के नेता नहीं है, पहली बार चुनाव लड़े थे, विधायक बने हैं, तो वो हालांकि देखिए ये सिर्फ मैट्रिक पढ़े हुए हैं, हालांकि इसमें कोई शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता राजनीति में, लेकिन उनकी शिक्षा सिर्फ मैट्रिक तक है और उनका कोई पूरे हरियाणा में प्रभाव भी नहीं है। और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी थी, अगर अध्यक्ष का फैसला करना था तो पहले जब जो है उस समय नायब सैनी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, तब उनके स्थान पर किया जा सकता था। जो भारतीय जनता पार्टी के जाट चेहरे हैं, जाट नेता हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है, वो अपने समाज में किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि लोग ही कहेंगे कि आपकी पार्टी को तो आपकी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, तो जनता कैसे स्वीकार करेगी, तो ये उनके लिए और प्रश्न है। और जाट और गैर जाट का मुद्दा इसलिए भी हावी रहेगा क्योंकि जब जाटों को महत्व नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी, ये बात बड़ी स्पष्ट है। और देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखें, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया था, तो इस तरह जाट भी कर सकते हैं, जाट भी देखेंगे कि हम उस पार्टी को जिताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो। एक आम धारणा बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी है, पार्टी को इस छवि से निकलना है। और दूसरा, जहां तक देखिए सत्ता विरोधी लहर है वो तो है ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कांग्रेस आज मजबूत हो रही है तो उसका कारण यह है कि सत्ता विरोधी लहर है। देखिए, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों प्रॉपर्टी आईडेंटिटी को लेकर कई खामियां हैं, और देखिए जो मंत्री भी बने हुए हैं वो तो अपने विभाग की कार्य प्रणाली को भी नहीं समझ पा रहे, लोगों के काम नहीं हो रहे,
आज भी सीएमओ का वही चेहरा है, सीएमओ में वही लोग हैं जो मनोहर लाल जी के समय में थे। अब मंत्री अपनी व्यवस्था बताते हैं कि उनके काम नहीं होते, वो ट्रांसफर नोट भेजते हैं, वहां सीएमओ में वो जो ओएसडी है वो नोट दबाए पर है, मतलब उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे उनके कहने पर। तो मंत्रियों की स्थिति बहुत विचित्र है जी, वो जनता के बीच में कहने की स्थिति में नहीं है, उनके काम नहीं हो रहे, जो वो सिफारिशें करते हैं उनको वहां पर दबाई गई है, तो इसलिए मंत्रियों की स्थिति कोई ज्यादा मजबूत नहीं है। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता है वो अपने आप में स्वतंत्र निर्णय नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी की एक टोली होती है, एक संगठनात्मक शैली है, उस शैली के आधार पर निर्णय होते हैं। तो कांग्रेस की तरह है नहीं कि यहाँ कोई व्यक्तिगत स्तर पर किसी नेता विशेष ने फैसले करने हैं, यहाँ अलग अलग टोली होती है, सामूहिक टोली में बैठकर फैसले होते हैं, तो उसमें चाहे अध्यक्ष हो कोई मुख्यमंत्री, उनके इतने अधिकार नहीं है। संगठन के मामलों में पार्टी की अपनी एक भूमिका है, अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी भूमिका है। हाँ, लेकिन ये है कि पार्टी ने बदलाव किया, ये देर से किया है, अगर ये पहले किया जाता तो उसके परिणाम होते। और देखिए, जब अब के विधायकों के प्रति भी रोष है, सत्ता विरोधी लहर में अब भारतीय जनता पार्टी को और भी बदलाव करने पड़ेंगे, जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट काटने पड़ेंगे, गुजरात जैसा उदाहरण करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए पार्टी एक और बड़े बदलाव की ओर भी जाएगी। अवीरेन जी, जो ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने कुछ सीखा है या उन नतीजों से कुछ हासिल करने की कोशिश की गई है? देखिए, पार्टी ने क्या सीखा, ये तो जनता को पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सीटें नहीं जीत पाएगी, लेकिन नेताओं को मालूम नहीं हो रहा था। ऐन वक्त पर जो केंद्र ने फैसला किया, मनोहर लाल जी को एक तरह से बर्खास्त किया गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी पदोन्नति नहीं हुई, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में पार्टी हाईकमान को पहले ही कह दिया था, लेकिन उनको तो खुद भनक ही नहीं थी। मनोहर लाल जी को यह पता नहीं था, जब गुरुग्राम के अंदर मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की थी तो उनको यह भनक नहीं थी उनको बदला जा रहा है, ये वास्तव में उनको बर्खास्त किया गया। ये पार्टी के लोग भी जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। तो इसलिए जो एक छवि, जो उदाहरण आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव से कोई सबक सीखा है, ऐसा लगता नहीं है। अब जो पार्टी ने चेहरे हैं, देखिए, आप जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी कब तक उपेक्षा करेंगे? अनुभव को, युवा को एक समन्वय रहना चाहिए। आप नए चेहरों पर ही पूरा आश्रित हो जाएंगे तो दूसरे जो अनुभवी लोग हैं वो अपने आप को उपेक्षित समझेंगे, तो उनके अंदर भी एक भावना का शिकार हो जाएंगे। युवा जोश को भी शामिल करना चाहिए और अनुभव को भी शामिल करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर जो है पार्टी ऐसी नीति बनाएगी जो पुराने चेहरे हैं उनको ये नहीं लगे, उनके अंदर उपेक्षा का भावना हो, और नए जो युवा चेहरे हैं उनका भी, उनके उपयोगिता का और उपयोग किया जाए, तो पार्टी युवा जोश को भी अवश्य शामिल करेगी। और ये जो परिवर्तन है कितना प्रभाव दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के अंदर व्यक्तिगत स्तर पर फैसले नहीं होते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष किसी को, व्यक्ति विशेष को चाहे टिकट दिलवा सके, ऐसा उसके हाथ में नहीं है। एक संगठन की संरचना है, तो उस संगठन की संरचना में भारतीय जनता पार्टी फैसले लेती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो वर्तमान विधायक है, क्या सीटिंग और गेटिंग का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी? बिल्कुल नहीं अपनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, नए चेहरों को लाना पड़ेगा, क्योंकि नए कार्यकर्ता भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि अगर यही लोग जमे रहेंगे तो हमें कब अवसर मिलेगा। तो पार्टी को इस दिशा में बड़े बदलाव की ओर तैयार रहना पड़ेगा। देवेंद्र, जो रणनीति पार्टी बना रही है, और कांग्रेस से जाहिर सी बात एक बड़ी चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा की कुछ सीटें, जहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी हमने देखा कि बड़ा था, उसको लेकर क्या पार्टी की जो तैयारियां पर्याप्त हैं, काफी हैं? देखिए सौरभ, दो चीजें हुई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा हुई और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वर्कर्स मीटिंग की, उसमें बार बार ये दोहराया गया कि 2014 में जो 10% तक वोट गिर गया था कांग्रेस का, वो अब जाकर 46-47% हो गया कांग्रेस का इस लोकसभा चुनाव में। तो पिछले 10 साल में अगर बीजेपी ने सरकार चलाई है तो कांग्रेस ने वोट प्रतिशत में इजाफा किया है और लोगों में भरोसा जगाया है। लोग अब कांग्रेस की तरफ अब देख रहे हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और खाली ये नहीं हुआ कि वोट परसेंटेज बढ़ा, 90 सीटें विधानसभा की है, विधानसभा वाइज सीटों का समीक्षा जो हुई है उसमें ये पाया गया, जो कांग्रेस नेता दावा करे कि 46 सीटों पर कांग्रेस अब लीड ली है और 44 पर बीजेपी, मतलब बीजेपी विधानसभा में भी पीछे रही और वोट प्रतिशत में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। और जो चुनौतियां कांग्रेस की तरफ से मिल रही है, जिस तरह के सियासी हालात हैं, बीजेपी की पूरी पार्टी और सरकार संगठन वो वाकिफ है कि किस तरीके से कांग्रेस सुधार कर रही है, कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा रिस्पॉन्स लोगों में मिल रहा है, कांग्रेस नेता जो दावे कर रहे हैं और जिस तरह के आसार लग रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान में रखें तो
बीजेपी ने अपने आप में नया पन ला रही है, नए फैसले ले रही है, नए कदम उठा रही है और नए व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो बीजेपी का संगठन या सरकार चुनौतियों से वाकिफ है और उनको लगता है कि क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे पार्टी ने जो टारगेट्स रखे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने की बात है, संकल्प लिया गया है, संगठन की धड़ाधड़ मीटिंगें हो रही है, जितनी मीटिंगें बीजेपी की हो रही है कांग्रेस तो मेरे को लगता है उसकी तिहाई मीटिंगें कर रही होगी। जितनी रणनीति बड़े से छोटे से बड़े नेता, हरियाणा स्तर के नेता से लेकर राष्ट्रीय संगठन के जो लोग हैं वो हरियाणा पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, प्रतिदिन निर्देश आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, निचले स्तर के नेताओं को आदेश है कि आप ये करो। आज ही बात बताता हूं, अग्निवीर को लेकर बहुत विरोध हो रहा है, अग्निवीर और दूसरे मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं की ड्यूटियां लगी है। आज पानीपत में महिपाल ढांडा जो सहकारिता और पंचायत विकास मंत्री है, आज अग्निवीर को लेकर स्पेशल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय नेतृत्व से भी कोई बड़े नेता आज आए हुए थे। तो जो जो मुद्दे नुकसान कर रहे हैं बीजेपी को, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे अग्निवीर है, बेरोजगारी के इश्यू है, अलग अलग जगहों पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये वही करे। बीजेपी सारे काम करती रही है संगठन को मजबूती देने के लिए, पार्टी की लोकप्रियता को और लोगों के विश्वास को जगाने के लिए ये काम जो करती रही है। अब फिर उस तरह के काम हरियाणा में शुरू हुए हैं। बिल्कुल महेश, जो तैयारियां बीजेपी कर रही है इस स्तर पर, जिस तरीके से वीरेन जी ने भी जिक्र किया कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब धीरे धीरे जब समय नजदीक आ रहा है विधानसभा चुनाव का, क्या ये तैयारियां एक्सरसाइज पूरी तरह से सिरे चढ़ पाएंगी? सवाल ये बरकरार है क्योंकि कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। ना सिर्फ सीटों की बात करें, जो लोकसभा सीटें उसने जीती हैं, वोट परसेंटेज भी कांग्रेस का बड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती की अगर हम बात करें बीजेपी के सामने, तो क्या पेश आएगी? क्योंकि हुड्डा को हमने देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहते हुए कि पहले तो कुछ नहीं किया, 10 साल तक सत्ता में रहे, अब जब लग रहा है कि सत्ता हाथ से जा रही है तो दुनिया भर के प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों में जो निराशा भारतीय जनता पार्टी को लेकर पैदा हुई है, वही सबसे बड़ा संकट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा क्योंकि इसका जिक्र पहले भी किया गया कार्यक्रम के दौरान। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर अब एक एक शख्स, पहले लोग धक्के खाते फिर रहे थे, कार्यालय तक पहुंच रहे थे, लगातार रिश्वत तक देने के लिए तैयार थे कि किसी भी हद तक किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन अब जो है बदली परिस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। यहां युवाओं की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल लिया गया, चाहे उन्हें पर डे वेजेस के हिसाब से रखा गया, लेकिन लड़के यहां पर पहुंच रहे हैं, एक घर तक पहुंच रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में है और वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ओटीपी लेकर भवन मालिकों से वेरिफिकेशन वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यह है कि यहां प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जितनी भी समस्याएं लोगों के सामने थी उन्हें समय रहते खत्म करने की कोशिश यहां पर युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की यह है कि लोग अब प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त ही नहीं करवाना चाहते, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि आते ही वो पोर्टल्स को बंद करेंगे और प्रॉपर्टी आईडी को खत्म करेंगे। अब लोगों को ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने की जरूरत ही क्या है जब अगली सरकार में प्रॉपर्टी आईडी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अब जो यहां प्रिवेंटिव स्टेप्स भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, जो एहतियाती कदम भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, उन कदमों से ही अब लोग पीछे कदम हटाने लगे हैं। उन्हें नहीं लगता कि पोर्टल्स में किसी भी तरह की आवेदन करने की जरूरत है, उन्हें नहीं लगता कि अब जो है प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने की जरूरत है। आए दिन बड़े से बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इन फैसलों के साथ क्या प्रदेश की जनता खड़ी हो रही है, क्या इन फैसलों पर प्रदेश की जनता यकीन कर रही है, भरोसा कहां से वोटर्स के बीच लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी, यही सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि जब तक भरोसा जमाने की कोशिश की जाएगी तब तक चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। वीरेन जी, लास्ट कमेंट में शॉर्ट में लेना चाहूंगा, समय बेहद कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी समर्पण कर देगी बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह जी को हरियाणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभार दिया गया, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी ने पूरी तरह से कोशिश कर ली, नई टीम भी बना ली है। अब ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां सभी सियासी दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी जो रणनीति है वो जनता उसको स्वीकार करेगी और सिरे चढ़ेगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।